गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने मैथ्स की सेकंड लाइव क्लास चला रहे हैं। तो जैसे कि अपने कल पढ़ा था ग्राफ के पेशी के बारे में पढ़ा, आज अपने जैसे चैप्टर 4.1 शुरू करेंगे। चैप्टर 4.1 का जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने कल क्या पढ़ा था, नेचर पढ़ा था, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैल्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज अपने क्या पढ़ेंगे कि चैप्टर 4.1 के अंदर सिंपल सी बात आपको क्या फाइंड करना है, टू चेक वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कल हमने पढ़ा था कि अपने ग्राफ जब बनाते हैं तीन टाइप से बनते हैं। पहला कि ग्राफ में जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट होगी, दूसरा ये हो सकता है कि जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होगी, और तीसरा ये कोइंसिडेंट है, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन है उसके अंदर, तो आप जैसे फर्स्ट कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, वो कंसिस्टेंट होती है। कोइंसिडेंट जैसे मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन आएगी वो भी कंसिस्टेंट होगी, लेकिन अगर पैरेलल की कंडीशन आ जाए तो उसको आप इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, 2x - 3y = 8, इसका फर्स्ट पार्ट 2x - 3y, सॉरी यहाँ एक की ओर में बाय comparing a1 upon b2 and c1 upon c, इसका compare करके अपने इसमें find करेंगे consistent है और inconsistent है। तो इसका first part है 2x - 3y = 8 and second part है इसका 4x - 6y = 9। अब कंपेयर करेंगे अपने a1 b1 c1 a2 b2 b2 एंड c2 बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। वी हैव a1 इज इक्वल टू, वी नो दैट, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर लो, मॉडिफाई कर लो, 2x - 3y - 8 = 0, और इसको थोड़ा सा और करोगे तो 4x - 6y - 9 = 0। इसलिए इसको करते हैं क्योंकि अपने a1 b1 c1 a2 b2 और c2 फाइंड हो जाएंगे। a1 कितना आ जाएगा 2, b1 अपने पास कितना आ जाएगा -3 एंड c1 कितना आ जाएगा अपने पास -8 एंड a2 कितना आ जाएगा अपने पास 4, b2 अपने पास कितना आ जाएगा -6 एंड c2 कितना आ जाएगा अपने पास -9 बाय कंपेयरिंग a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2। करके देखते हैं, सबसे पहले a1 की वैल्यू कितनी है 2 upon b2 की 4, b1 की कितनी है -3 upon b2 की कितनी है -6 और c1 की है -8 upon -9। सिंप्लीफाई करेंगे 1 upon 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 upon 6 कितना हो जाएगा 1 upon 2, माइनस से माइनस कैंसिल 8 upon 9, यानी ये दो ट्रिपल आ रहे हैं बट थर्ड इक्वल नहीं आ रहा। तो ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ये आ रही है पैरेलल लाइन की कंडीशन। अपन क्या कह देंगे, सो लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन पॉसिबल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अपने कह देंगे सो इट इज इनकंसिस्टेंट। एक बार आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे।
आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, इसके जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के चार पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सेकंड और थर्ड है, फोर्थ पार्ट अपने थोड़ा सा अलग क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्शन आ जाता है, तो उसके जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा फ्रैक्शन है। क्वेश्चन क्या है, 4/3x, 4/3x प्लस 2y = 8, एंड इसका सेकंड को सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। चेक वेदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही तरीका, सबसे पहले अपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, 4/3x + 2y - 8 = 0 एंड 2x + 3y - 12 = 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके अंदर अपने सबसे पहले अपने a1 b1 c1 a2 b2 and c2 फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। अपने को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। जब दो इक्वेशन होती है तो अपने a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करेंगे तो अपन क्या मिलेगा, वी हैव a1 = 4/3, b1 = 2 and c1 = -8। now a2 = 2, b2 = 3 and c2 = -12। वही तरीका by comparing, a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2, a1 / a2, 4/3 / 2, b1 / b2 2/3 and c1 / c2 - 8/-12। ये वैल्यू थोड़ी सी ढंग से आपको देखनी पड़ेगी, कहीं पर प्लस माइनस की गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब ये डिनोमिनेटर है नीचे चला जाएगा, क्या होगा, 4/3 + 6, 2/3, ये पर इसको बाद में करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/12। सिंप्लीफाई कर दो, 2 × 4, 2 × 3 = 6, ये सिंप्लीफाई नहीं होता 2/3, और ये 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ये भी 2/3। यानी अपने को यहाँ पर तीनों क्या हो रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। तीनों इक्वल कौन सी कंडीशन में आते हैं, अपने को पता है तीनों जब इक्वल होते हैं इट मीन्स वहाँ पर लाइन को इंसिडेंट होगी। जैसे अपने ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के अंदर जैसे एक लाइन आ गई दूसरी लाइन इसके ऊपर ही आएगी, यानी आपको दरअसल में लाइनें दो होगी लेकिन आपको एक ही लाइन दिखाई देगी, तो इस शब्द क्या बोलेंगे, लाइंस आर को इंसिडेंट सो इट हैव मैनी सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग होती है एक वो कंडीशन, और दूसरी को इंसिडेंट यानी मैनी सॉल्यूशन, इस कंडीशन के अंदर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, और जब लाइन पैरेलल आ जाए उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं निकलती, उस कंडीशन के अंदर इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो आप अभी नोट करो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे।